जबलपुर में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तन्खा कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए वचन पत्र की भी जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही कहा कि इस वचन पत्र में तैयार करने के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम जैसे अर्थशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है, जिससे देश और समाज के हर वर्ग का विकास हो सके। देखिए, 26 दिन भी एक अच्छी टीम के लिए बहुत है और इस वक्त कांग्रेस एक बढ़िया टीम है। हमारे पास जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर होता है, विराट कोहली होते हैं, हमारे पास सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तरुण बनोट, हमारे MLA सब हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं। इस वक्त ने अच्छा स्कोर किया है, तो जो जिस टीम के पास इतने अच्छे बैट्समैन होते हैं वो टीम आशान्वित तो होती है। और इस वक्त कांग्रेस को लगता है कि आज जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है, जो कि पीपल्स मैनिफेस्टो है, जिसमें किसानों के लिए कुछ है, युवकों के लिए कुछ है, गरीबों के लिए कुछ है, मतलब 25 करोड़ गरीब इससे आज लाभान्वित होंगे। जब ये इम्प्लीमेंट होगा, मिनिमम 6,000 रुपये महीना उनको मिलेगा।